Assalamualaikum. My name is Param. I am Harman. I am Manjot. Welcome back to our channel, guys. So we are back again with another new video of Tariq Jameel Saab. Unki India ki first ever visit and what happened to Maulana Tariq Jameel Saab in India जब वो पहली बार इंडिया तशरीफ लेके आए थे उनका वो किस्सा बताएंगे हमें. So guys, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक दरखास्त करना चाहते हैं. अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए आज के वीडियो का आगाज करते हैं. 82 की बात है, मैं इंडिया गया अकेला. 82 में 82 ट्रेन में था तो जालंधर से रश चढ़ा, लोग खड़े हो गए तो एक नौजवान सा था, वो जवान था, नौजवान तो नहीं था, वो खड़ा हुआ तो मैं एक सिख को दावत दे रहा था तो मेरी गौर से मैं सुनता रहा तो मुझसे अंग्रेजी कहता फ्रॉम वेयर यू आर, आई गो फ्रॉम पाकिस्तान. तो सर कहने लगा फ्रॉम वेयर इन पाकिस्तान, मैं कहा मुल्तान. अच्छा मुल्तान से है तारीख. फ्रॉम वेयर इन मुल्तान, मैं कहा व्हाई आर यू आस्किंग, क्यों पूछ रहे हो. आई एम फ्रॉम मुल्तान ए स्मॉल टाउन तुलंबा. जब तुलंबा गया तो मैं हंस पड़ा तो फिर उर्दू में बोला हंसे क्यों हो. मैं कहा आई एम फ्रॉम तुलंबा. कहने लगा आपा अपनी बोली बोली है. आपा अपनी बोली बोली. कहने लगा इतने तो साड़ी कोई जानता ही कोई नहीं, आप अपनी बोली बोली है. बोलिए. उसने पीछे उसकी बहन मजमे में फंसी खड़ी थी, एजड उम्र 80 उसने उसको जाके बताया कि तुलंबे का एक लड़का बैठा हुआ, वो तो आज शेरनी की तरह था, ठीक है ऐसी हैवी वेट. उसने इधर फेंका है तो इधर इधर फेंका. अच्छा मेरे सामने वाली सीट पर तीन आदमी बैठे थे तो तीन ही की वो थी तो उसने ना आगे उनके बीच में जो घुसी एक नीचे गिर गया. मुझे कहती पुत्रा तू तुलंबेदा है. जी जी मासी जी मैं तुलंबेदा. मैं ठर पावा ठर पावा. जितने तुलंबे के उस नौजवान का नाम था राम स्वरूप चुग. राम स्वरूप चुग मुझे आज तक याद है. मुझे अब दो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मुझे आज तक याद है. राम स्वरूप 86L सेटेलाइट जिसने मुझे अपना एड्रेस दिया था, पता नहीं जिंदा मर गया. लेकिन तुलंबे के हिंदू सोनीपत शिफ्ट हुए. उस सोनीपत के मुसलमान वहाँ तगा एक कौम थी बड़ी, वो तुलंबा शिफ्ट हो गया. कुछ उसमें राजपूत फैमिलीज भी हैं, कुछ तगा फैमिली. तो वो बीबी जलंधर से जो शुरू हुई है मुझसे बातें करना तुलंबे की तो सोनीपत तक वो चुप नहीं हुई. अंबाले गाड़ी रुकी तो मैंने वो बाहर छावड़ी वाला सेब बेच रहा था, मैंने सेब लिए तो मैंने काट के मैंने कहा मासी खासो कि पुत्र से मुस्लिम को लोग खांदे नहीं पर तू तुलंबे दें तेरे को जरूर. वो बड़ी मालदार फैमिली थी. उन्होंने मुझे जो हवेली बताई वो तुलंबे की एक एंटीक हवेलियों में थी. तो कहने लगी मेरे बापू हवेली पूरी की थी तो दो मुल्क बन गया. तो सानू ए छोटा जहा है उस राम स्वरूप जमे आया यार 6 महीने का ही इन्हों लैते से निकले हैं तो हर शहर छड़ते आ गए. तुलंबे में हिंदुओं की दो बड़ी फैमिलियां थी, एक परूथी और एक चुग. इन्होंने पूरे इलाके के जिम्मेदारों को अपना गुलाम बनाया हुआ था. सूद पे कर्जे दे दे करना उनकी जमीनें सारी उन्होंने ना वो कब्जे में की हुई थी और वो उनके गुलाम थे. तो अब उस हवेली में 20-25 खानदान रहते हैं और वो अकेले उसके मालिक थे उस वक्त.
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਤਾਈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਲੰਬੇ ਕਾ ਹੁੱਕਾ ਇੱਕ ਖੁੱਸਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਵੋ ਉਸੀ ਜੂਤੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਨੰਗੇ ਪਾਉਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਪ। ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਆਨ ਥਾ ਉਨਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਜੋ ਉਨਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਥਾ, ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਗਾੜੀ 1982 ਮੇਂ, ਐਂਡ ਉਨਕੋ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਨਕੋ ਵਹੀ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੁਲੰਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਸਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੁਰਾਨੀ ਬਾਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਐਂਡ ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਭੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੈ MTJ, ਅਭੀ ਅਭੀ ਖੁਲਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ, ਮਤਲਬ ਉਨਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਆਨ ਹੋਤੇ ਉਨਕੇ, ਉਨਕੇ ਔਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬਿਆਨ ਆਪਕੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਫੋਰ ਟੁਡੇ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ।